हेलो एवरीवन, टुडे विल कंटिन्यू किनशिप कास्ट एंड क्लास दैट इज अर्ली सोसाइटीज राइट एंड टुडेज टॉपिक्स आर बियॉन्ड बर्थ रिसोर्सेज एंड स्टेटस जेंडर्ड एक्सेस टू प्रॉपर्टी द्रौपदीज क्वेश्चन वर्णास एंड एक्सेस टू प्रॉपर्टी द वेल्दी शूद्रा एन अल्टरनेटिव सोशल सिनेरियो sharing wealth, the poor generous chief, explaining social differences, a social contract. Okay, so let's start. Beyond birth, resources and status. Children, हम पढ़ रहे हैं early societies के बारे में, right? अब हम यहाँ पर क्या जान रहे हैं? Beyond birth, ठीक है, जन्म से परे क्या है resources and status, right? क्या है ये, right? सो अगर आप इकोनॉमिक रिलेशन जो हमने लास्ट चैप्टर्स में डिस्कस किए हैं, अगर तुम उसके बारे में सोचोगे तो तुम्हें लगेगा कि जो स्लेव थे, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स थे, हंटर्स, फिशर फॉक, पेस्टोरलिस्ट, पेजेंट, विलेज हेडमैन, क्राफ्ट पर्सन, मर्चेंट एंड किंग इमर्ज एज सोशल एक्टर्स इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट राइट एंड देयर सोशल पोजीशन जो उनकी सोशल पोजीशन होती थी वो क्या होती थी सोशल पोजीशंस जो होती थी उनकी ऑफन शेप्ड बाय देयर एक्सेस होती थी उनकी पहुंच किस पे टू इकोनॉमिक ठीक है इकोनॉमिक उनकी एक्सेस जो होती थी इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे राइट तो इस पे उनकी सोशल पोजीशन जो थी उसका पता लगाया जाता था राइट And here we'll examine the social implication of access to resources, right? In certain specific situations. So let's start with first topic, gendered access to property. ठीक है Gendered mean men and women. ठीक है तो जो men और women थे उनमें भी property के अधिकार को लेके ठीक है जो access है property के लिए वो भी उनका डिफरेंट होता था ठीक है ना उसमें अलग अलग होता था राइट अब यहाँ पे क्या है आप एक क्रिटिकल एपिसोड आप जैसे हम कंसिडर कर रहे हैं महाभारत में राइट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लॉन्ग ड्रॉन राइवलरी बिटवीन द कौरवा एंड पांडवा दुर्योधना इनवाइटेड युधिष्ठिरा आपने देखा था ये सारा कुछ आपको अगर आपने महाभारत देखी होगी तो वहाँ पे आपने देखा था कि एक सीन ऐसा आता है कि एक तो इनमें आपस में दुश्मनी चल रही है ठीक है अब ये क्या है अब ये कौरवों और पांडवों ठीक है ना जो कौरव होते हैं वो कहते हैं कि हम पांडवों को इनवाइट करते हैं किस पे टू अ गेम ऑफ डाइस राइट गैम्बल एक तरह से गैम्बल हो गया ये तो हम उनको उस गेम में इनवाइट करेंगे द लेटर जो पांडवास थे हु वॉज डिसीव्ड ठीक है उनको धोखा मिलता है राइट बाय हिज राइवल स्टेक्ड हिज गोल्ड यहाँ पे स्टेक्ड मतलब उन्होंने अपना जो कौरव थे दे क्लेम ऑनरशिप ऑफ एवरीथिंग अबाउट द पांडवास रिसोर्सेस राइट तो उन्होंने क्या किया स्टेक्ड हिज गोल्ड एलिफेंट चैरियट स्लेव आर्मी ट्रेजरी किंगडम एंड द प्रॉपर्टी ऑफ हिज सब्जेक्ट्स राइट हिज ब्रदर्स एंड फाइनली हिमसेल्फ एंड लॉस्ट ऑल तो सारी चीज़ें जो थी वो दांव पे लगा दी ठीक है दांव पे लग गई थी जब ये गेम खेलते हैं डाइस की गैम्बल करते हैं तो सारी चीज़ें अगर आपको महाभारत के एपिसोड्स याद होंगे तो वहाँ आपको याद होगा कि सब कुछ स्टेक कर देते हैं राइट एंड देन ही स्टेक द कॉमन वाइफ द्रौपदी ठीक है एंड लॉस्ट हर टू तो उसको भी हार जाते हैं तो यहाँ पे देखिए इश्यूज ऑफ ऑनरशिप जो थे राइट ये जो ऑनरशिप के इशू थे दे फॉरग्राउंडेड इन द स्टोरीज अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे फिगर इन धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र राइट इनमें भी इसको बताया गया है अब स्टोरीज देखिए एज इट इज़ मेंशनड एज सोर्स 11 एट पेज नंबर 68 राइट दिस इज द सोर्स 11 एंड दिस इज अबाउट द द्रौपदीज क्वेश्चंस ठीक है अब द्रौपदी ने जब ये स्टेक हुआ था ठीक है ना जब ये डाइस
का गेम हुआ था तो युधिष्ठर ने सब कुछ हार दिया था और द्रौपदी को भी हार दिया था, हार गए थे। तो हम देखते हैं कि द्रौपदी के क्वेश्चंस, उनने क्वेश्चन पूछे थे। सो द्रौपदी इज सपोज टू हैव आस्क्ड युधिष्ठिरा वेदर ही हैड लॉस्ट हिमसेल्फ बिफोर टेकिंग हर। द टू कॉन्ट्ररी ओपिनियन वर एक्सप्रेस्ड इन रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, दो एकदम से कॉन्ट्ररी ओपिनियन आ रहे हैं। कैसा? पहला वाला, दैट इवन इफ युधिष्ठिरा हैड लॉस्ट हिमसेल्फ अर्लियर, अगर युधिष्ठिरा द्रौपदी को दांव पे लगाने से पहले हार जाते हैं, ठीक है ना, तो बताइए कि वो किस तरह से उसको, मतलब एक तरह से उनका अधिकार है, ठीक है ना, रिमेंड अंडर हिज कंट्रोल, उनकी वाइफ जो है उनके कंट्रोल पे है, ठीक है, रिमेंड अंडर हिज कंट्रोल, युधिष्ठिरा के कंट्रोल में है उनकी वाइफ, तो ही कुड स्टेक हर, ठीक है, तो वो उसको हार सकते हैं, ठीक है ना, ही कुड स्टेक हर। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या उठता है कि दैट एन अनफ्री मैन, क्योंकि वो तो सब कुछ हार गया है, ठीक है, एज युधिष्ठिरा वॉज वेन ही हैड लॉस्ट हिमसेल्फ, जब उन्होंने उसको, वो खुद को हार गए, तो वो कैसे दूसरे को दांव पे लगा सकते हैं, राइट। तो ये जो क्वेश्चंस थे, ये जो मैटर है, ये रिमेंड अनरिजॉल्व्ड, ठीक है, इसका कोई भी सॉल्यूशन जो है वो नहीं निकला। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, धृतराष्ट्र जो थे, ठीक है ना, उन्होंने रिस्टोर कर दिया पांडवा और द्रौपदी को उनकी पर्सनल फ्रीडम, राइट। तो ये आपने एपिसोड्स में देखे होंगे, राइट। देन अकॉर्डिंग टू यू कैन सी, अभी हम बात कर रहे थे कि ये धर्म सूत्रा और धर्मशास्त्र में इसको ये प्रश्न उठाए गए हैं, राइट। तो अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति जो पैटर्नल एस्टेट, जो पैटर्नल प्रॉपर्टी होती है, राइट, सो वॉज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंगस्ट सन्स, राइट, ये बेटों में बराबर बराबर बांटी जाएगी आफ्टर द डेथ ऑफ द पेरेंट्स, पेरेंट्स के मरने के बाद, विद अ स्पेशल शेयर ऑफ फॉर द एल्डेस्ट, ठीक है ना, और जो स्पेशल शेयर होगा एल्डेस्ट के लिए होगा, राइट। सो हेयर वुमेन कुड नॉट क्लेम अ शेयर ऑफ देयर रिसोर्सेज, तो यहाँ पे देखिए वुमेन जो है वो क्लेम नहीं कर सकती थी, ठीक है, अपने जो हिस्सेदारी है, ठीक है, जो उसका अपना शेयर है उसके लिए वो क्लेम नहीं कर सकती थी, राइट, मांग नहीं सकती थी वो। सो हाउ एवर वुमेन वर अलाउड टू रिटेन द गिफ्ट्स, ठीक है, वो ऑनरशिप होती थी किसकी, गिफ्ट्स दे रिसीव्ड ऑन द अकेजन ऑफ देयर मैरिज, जब उसकी शादी होती थी ना वुमेन की, तो जो वुमेन को जो कुछ भी मिलता था एज अ गिफ्ट उसको वो रख सकती थी, राइट, इसको बोला जाता है स्त्री धना, राइट, इसको क्या बोला जाता है, स्त्री धना, ठीक है, तो वो रख सकती थी, लिटरली अ वुमेन्स वेल्थ, ठीक है, जो वुमेन का वेल्थ था, ठीक है, तो इसकी ऑनरशिप इसके इन पे जो गिफ्ट मिलता था इस पे था, राइट। सो दिस कुड बी इनहेरिटेड बाय देयर चिल्ड्रन, तो ये जो था उनको विरासत में मिलता था किसको, इनके बच्चों को, विदाउट द हस्बैंड हैविंग एनी क्लेम ऑन इट, ठीक है ना, अब इसमें जो है हस्बैंड का कोई क्लेम नहीं होता था, ठीक है, वुमेन जो था, जो वुमन का ये स्त्रीधन होता था ये इनहेरिट कर सकती थी किसको, बच्चों को देती थी विरासत के रूप में, राइट। सो एट द सेम टाइम द मनुस्मृति वॉन्ट वुमेन अगेंस्ट होर्डिंग, ठीक है, मनुस्मृति ने वुमेन को होर्डिंग करने के लिए मना किया, होर्डिंग मीन्स स्टोर करने के लिए मना किया, ठीक है ना, जो फैमिली प्रॉपर्टी है उसको स्टोर करने के लिए, इवन देयर ओन वैल्यूएबल, जो कुछ भी उन्होंने जो कुछ भी वैल्यूएबल थिंग्स थी, ठीक है ना, विदाउट हस्बैंड्स परमिशन, ठीक है ना, तो हस्बैंड की परमिशन जो थी वो ज़रूरी थी कोई भी चीज़ को स्टोर करने के लिए, तो ये भी मनुस्मृति में कहा गया है, राइट। And you have read about wealthy woman, ठीक है ना, आपने wealthy woman के बारे में पढ़ा था, Vakataka Queen प्रभावती गुप्ता, ठीक है, तो however cumulative evidence both epigraphic या textual, ठीक है ना, epigraphic हमने पढ़ा था inscriptions के बारे में होता है, so या फिर साहित्य textual हो गया, ग्रंथ हो गया, तो ये क्या suggest करते हैं, that while upper class women may have had access to resources, ठीक है, हमने देखा था प्रभावती गुप्ता लैंड गिफ्ट कर देती थी, ठीक है ना, तो उनके काफ़ी एक्सेस है, लैंड कैटल मनी वर जनरली कंट्रोल्ड बाय मैन, ठीक है ना, लेकिन ये जनरली कंट्रोल कौन करता था, मैन, राइट। सो इन अदर वर्ड्स आप बोल सकते हैं सोशल डिफरेंसेस बिटवीन
men and women. ठीक है, they were sharpened. क्यों? Because of the differences in the access to resources. क्योंकि ये जो resources के अधिकार में जो difference होता था, ठीक है, इसकी वजह से differences जो थे ये sharpen हुए. Clear? Okay. Next is how could men and women acquire wealth? ठीक है, so this is the source 12 at page number 69. तो men और women, ठीक है, किस तरह से wealth को acquire कर सकते थे? So for men, the Manusmriti declares how many rules? 7. ठीक है, 7 means थे men जो था वो acquire करता था wealth. और क्या क्या थे? एक तो हो गया इनका इनहेरिटेंस, राइट, इनहेरिटेंस जो उन्हें विरासत में मिलता है. सेकेंड फाइंडिंग, राइट, जो खोज करके. देन परचेस, खरीदना. देन कॉन्क्वेस्ट, विजित करना, जैसे किसी को जीतना. फिर इन्वेस्टमेंट, जैसे किसी पे निवेश कर लिया, राइट, वर्क, काम करके. एंड एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट्स फ्रॉम गुड पीपल, सज्जनों से जो भेंट स्वरूप लेना, ठीक है ना. तो ये 7 तरीके जो हैं ये मनुस्मृति में डिक्लेयर हुए हैं जिस तरह से मैन जो है वो वेल्थ को एक्वायर कर सकता है. अब विमेन की बारी आती है, तो विमेन जो थी वो किस तरह से, कितने तरीके थे वो एक्वायर करती थी जो वेल्थ? 6 मीन्स थे इनके, ठीक है ना. कितने मीन्स थे? 6 मीन्स, राइट. और कौन कौन से होते थे? एक तो वट वॉज गिवन इन फ्रंट ऑफ द फायर, ठीक है. मैरिज मीन्स टू से मैरिज, शादी में जो कुछ मिलता है वो विमेन की प्रॉपर्टी, राइट. और द ब्राइडल प्रोसेशन, ठीक है, ब्राइडल प्रोसेशन जब जैसे शादी हो जाती है तो वधु जैसे जाती है, ठीक है ना, तो उस टाइम जो कुछ भी उसको दिया जाता है, ठीक है, वो उसकी प्रॉपर्टी अपनी है. और एज अ टोकन ऑफ अफेक्शन, ठीक है, प्यार से कोई भी दे देता है, जैसे कोई भी गिफ्ट दे दिया, ठीक है, वो भी विमेन की प्रॉपर्टी है. एंड वॉट शी गॉट फ्रॉम हर ब्रदर, क्या उसको अपने भाई से मिलता है, मदर से मिलता है या फादर से मिलता है, ठीक है ना. तो ये सब कुछ किसके तरीके थे? विमेन के, ठीक है, फॉर एक्वायरिंग वेल्थ, राइट. तो शी कुड ऑल्सो एक्वायर वेल्थ थ्रू एनी सब्सिक्वेंट गिफ्ट, तो उसके बाद भी उसको जो बाद में गिफ्ट मिलने जारी रहते हैं, ठीक है, तो उस तरीके से भी वो एक्वायर कर सकती थी. वट एवर हर अफेक्शनेट हस्बैंड माइट गिव हर, तो उसका हस्बैंड जो कुछ उसको दे, ठीक है, वो भी किसकी प्रॉपर्टी में चला जाता था? विमेन की प्रॉपर्टी में. क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज वर्णा एंड एक्सेस टू प्रॉपर्टी, राइट. अब बारी आती है अधिकारों की, ठीक है ना, किस तरह से प्रॉपर्टी के जो अधिकार हैं. अब ये हम बात करते हैं वर्णा से रिलेटेड, ठीक है. वर्णा आपने देखा था हायरार्की जिस तरह से था, अब यहाँ पे क्या क्या इनके अधिकार थे प्रॉपर्टीज़ के, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, राइट. सो यहाँ पे देखिए, अनदर अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, ठीक है ना, जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट थे, ठीक है, इसमें क्या है, अनदर क्राइटेरियन फॉर रेगुलेटिंग एक्सेस टू वेल्थ वॉज वर्णा, ठीक है. तो मतलब पहले तो हमने पढ़ा था जेंडर, ठीक है, अभी हमने जो लास्ट हमने रीड किया जेंडर था, ठीक है ना, जो कि मेल और फीमेल के डिफरेंसेस बता रहा है एक्सेस टू प्रॉपर्टी के लिए, राइट. अब हम पढ़ रहे हैं वर्णा, राइट, फॉर रेगुलेटिंग एक्सेस टू वेल्थ वॉज वर्णा, ठीक है ना. अब जो है, अब देखिए, एज वी सॉ अर्लियर द ओनली ऑक्यूपेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर शूद्रास, ठीक है ना, जो हमने देखा कि ये क्या था, शूद्रास के जो काम थे, ठीक है ना, वो अपनी मर्जी से नहीं करता था. शूद्रा वॉज सर्विट्यूड, राइट. वाइल अ वराइटी ऑफ ऑक्यूपेशन वर लिस्टेड फॉर मैन ऑफ द फर्स्ट 3 वर्णा. ऑनली टोल्ड यू चिल्ड्रेन कि वर्णास देखते हैं ना हम, एक लैडर बना हुआ है, सो मतलब ये जो आप देख रहे हो ना कास्ट का एक लैडर होता है, तो फर्स्ट वन इज शूद्रा, सेकंड वन जो हम बॉटम से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट, सेकंड वन फॉर वैश्यास, थर्ड वन फॉर क्षत्रिया एंड फोर्थ वन वॉज एट द टॉप, कौन थे? ब्राह्मणास, राइट. ये वर्णा का था. तो हम देख रहे हैं कि जो शूद्रा होता था ना, इसको सबका काम करना पड़ता था और ये इसकी इच्छा के विरुद्ध होता था, ठीक है, जबकि बाकी के 3 वर्णास जो हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है ना, तो इनका ऑक्यूपेशन, जो वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशन है इनका, लिस्टेड होता था फॉर मैन के लिए, ठीक है ना, ऑफ द फर्स्ट 3 वर्णास. सो इफ़ दीज प्रोविजन्स वर एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड,
द वेल्दीएस्ट मैन वुड हैव बीन, ऑब्वियसली अगर ये इम्प्लीमेंट था तो वेल्दीएस्ट, सबसे वेल्दीएस्ट जो होगा वो कौन होगा, ब्राह्मणा होगा, ठीक है, ब्राह्मणा जो थे वो सबसे वेल्दीएस्ट होते थे, राइट. एंड द क्षत्रिय, सेकेंड लेटर पे कौन है, क्षत्रिय, राइट. तो ये क्षत्रिय, राइट. तो क्षत्रिय और ब्राह्मणा जो थे ये वेल्दीएस्ट होते थे, राइट. दैट दिस corresponded to some extent with social realities, right, is evident from description of priests and kings in other textual traditions. ठीक है ना, वहाँ पर भी आप देखेंगे. तो इस तरह से kings are almost invariably depicted as wealthy. राजा को आपने देखा कि उनको depict किया जाए ना, बहुत priest जो थे they are also generally shown to be rich. ठीक है ना, जो priest होते थे पुजारी, ठीक है, ब्राह्मणास होते थे, तो ये भी अमीर दिखाए गए हैं. दो देयर आर ओकेजनल डिपिक्शन ऑफ द पुअर ब्राह्मणा, बिकॉज बेशक जो है आपको कुछ डिपिक्शन पुअर ब्राह्मणास की दिख जाएगी, लेकिन ये रिच ही शो हुए हैं, राइट. एट अनदर लेवल इवन एज ब्राह्मणिकल व्यू ऑफ सोसाइटी वॉज कोडिफाइड इन द धर्मसूत्रा एंड धर्मशास्त्रा, राइट. तो आप देख रहे हो कि दूसरे लेवल में जो ब्राह्मणिकल व्यू थे, ठीक है ना, सोसाइटी के, ये धर्मसूत्रा और धर्मशास्त्रा में कोडिफाइड थे, ठीक है ना. कोडिफाइड में संहिता, ठीक है ना, एक कोड बना रखा था, ठीक है ना, जो उनके व्यूज थे उन्होंने कोड की फॉर्म में बना रखे थे. एंड अदर ट्रेडिशंस developed critics of Varna order, ठीक है ना. तो जो traditions थे, ठीक है, ये critics करते थे Varna order की, कि Varna order क्यों है, ये नहीं होने चाहिए, ठीक है ना. तो उनकी आलोचना करते थे. तो कौन थे ये, Buddhism, right. Some of the best known of these were developed within early Buddhism, right. That is circa 6th century BC, right, onwards. तो ये आप आगे पढ़ेंगे इसके बारे में. तो बुद्धिस्ट दे ऑल्सो रिकोगनाइज दैट देयर वर डिफरेंसेस इन सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी में क्या था, डिफरेंसेस था, बट डिड नॉट रिगार्ड दीज एज नेचुरल और इनफ्लेक्सिबल, ठीक है ना. पर इसको ऐसे नहीं कह सकते कि ये स्थाई था, ठीक है ना, या नेचुरल था या स्थाई था, हाँ डिफरेंस था, राइट. एंड दे रिजेक्टेड द आइडियाज ऑफ, ठीक है, रिजेक्ट करते थे आइडियाज ऑफ क्लेम्स टू स्टेटस. तो जिस तरह से जो लोग क्लेम करते थे स्टेटस के लिए ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, ठीक है ना, तो बौद्धिस्ट जो होते थे वो क्या करते थे, उनके आइडियाज़ को रिजेक्ट करते थे, ठीक है ना, बर्थ के हिसाब से जो उन्होंने सोसाइटी चला रखी थी उसको रिजेक्ट करते थे, क्लियर. नेक्स्ट इज वेल्दी शूद्रास, राइट. सो वेल्दी शूद्रास में ये स्टोरी जो है ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट पाली, ठीक है ना, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, अगेन ये पाली में लिखी गई है. तो नोन एज मझिमा निकाया, राइट. तो ये मझिमा निकाया, तो इज अ पार्ट ऑफ अ डायलॉग बिटवीन किंग, तो ये राजा, ठीक है ना, जिसका नाम है अवंतीपुत्ता, राइट. तो राजा का नाम है अवंतीपुत्ता एंड अ डिसिपल ऑफ बुद्धा, और बुद्धा के एक चेले हैं, डिसिपल हैं, जिनका नाम है कच्चना, राइट. तो वाइल इट मे नॉट बी लिटरली ट्रू, बेशक ये एग्जैक्टली ट्रू तो नहीं है, लेकिन ये रिवील करती है बुद्धिस्ट एटीट्यूड टुवर्ड वर्णा, राइट. अब देखिए बुद्धिस्ट का वर्णास के प्रति क्या रवैया था उसके बारे में ये कहानी आपको बताती है, राइट. तो इसमें क्या है, अवंतीपुत्ता जो है वो कचना को पूछते हैं कि वो ब्राह्मण्स के बारे में, ठीक है ना, क्या सोचते हैं, जिसको बेस्ट कास्ट माना जाता है, ठीक है ना, बेस्ट कास्ट माना जाता है, और बाकी सब कास्ट जो हैं वो जो है लो हैं, ठीक है. एट दैट ब्राह्मणास जो हैं वो फेयर हैं, ठीक है ना, वो फेयर कास्ट है, मतलब आप बोल सकते हैं शुभ्र कास्ट है ना, वाइट कास्ट हो गई. एंड वाइल आल अदर कास्ट जो हैं वो डार्क हैं, ठीक है. एंड दैट ओनली ब्राह्मणास जो हैं वो प्योर हैं, और जो नॉन ब्राह्मणास हैं वो क्या हैं, इम्प्योर हैं, ठीक है ना. तो ब्राह्मणा प्योर हैं और नॉन ब्राह्मणास जो हैं वो इम्प्योर हैं. ब्राह्मणा जो हैं वो सन ऑफ ब्रह्मा हैं, ठीक है. क्या बोला गया उनके बारे में, कि वो बॉर्न ऑफ हिज माउथ, ब्रह्मा के माउथ से उत्पन्न हुए हैं, ठीक है, बॉर्न ऑफ ब्रह्मा, फॉर्म बाय ब्रह्मा, ठीक है, एंड एयर्स टू ब्रह्मा, ठीक है. एयर्स मतलब उनके वंशज, यानी हु इनहेरिट्स एंड कंटिन्यूज द वर्क ऑफ प्रेडिसेसर, ठीक है ना, ब्रह्मा के काम को कंटिन्यू करने वाले हैं कौन, ब्राह्मण, ब्राह्मणास, राइट.
तो इस पे कचरा का क्या रिप्लाई था कि वट इफ़ अ शूद्रा वर वेल्दी, ठीक है, वुड अनदर शूद्रा और अ क्षत्रिय और ब्राह्मणा और वैश्यास स्पीक पोलाइटली टू हिम, राइट। तो उन्होंने बहुत ही एक रिस्पेक्टफुल फॉर्म में जो है बिहेवियर में उन्होंने पूछा, राइट। तो अवंती पुत्ता रिप्लाइड, ठीक है ना, उन्होंने क्या रिप्लाई किया राजा ने, दैट इफ़ अ शूद्रा हैड वेल्थ, ठीक है ना, शूद्रा के पास वेल्थ होगा और कॉर्न होगा या गोल्ड होगा या सिल्वर होगा तो ही कुड हैव एज हिज ओबीडियंट सर्वेंट अनदर शूद्रा, ठीक है ना। तो वो क्या है, दूसरे शूद्रा, ठीक है ना। तो उसका जो शुद्ध मतलब सर्वेंट होगा, ओबीडियंट होगा, वो भी शूद्रा होगा, ठीक है। टू गेट अप अर्लियर देन ही, जो उससे पहले उठेगा, टू गो टू रेस्ट लेटर, उसके बाद में सोएगा, ठीक है। टू कैरी आउट हिज ऑर्डर, उसकी आज्ञा का पालन करेगा, एंड टू स्पीक पोलाइटली, ऑब्वियसली रिस्पेक्टफुल बिहेवियर करेगा, ठीक है ना। सो और ही कुड इवन हैव अ क्षत्रिय और ब्राह्मणा और वैश्या एज हिज ओबीडियंट सर्वेंट, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो कौन भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, ब्राह्मणा भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है, उसका ओबीडियंट सर्वेंट, राइट। तो जो क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा गया था उसका आंसर कचना ने इस फॉर्म में किया, राइट। तो कचना आस्ट, दिस बीइंग सो आर नॉट दीज फोर वर्णास एग्जैक्टली द सेम, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो क्या ये वर्णा सारे एग्जैक्टली सेम नहीं है, ठीक है ना। तो कचना का ये रिप्लाई था। तो अवंती पुत्ता कंसीडेड, ठीक है। तो अवंती पुत्ता जो राजा थे वो उन्होंने एडमिट किया, कंसीड किया, राइट, उन्होंने एडमिट किया दैट देयर वॉज नो डिफरेंस अमंगस्ट द वर्णा ऑन दिस काउंट, ठीक है। तो कोई भी मतलब इस काउंट पे, इस आधार पे कोई भी डिफरेंस नहीं है वर्णास में, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेल्दी शूद्रा, द सोर्स नंबर 13 एट पेज नंबर 70, राइट। नेक्स्ट इज एन अल्टरनेटिव सोशल सिनेरियो, राइट। अब एक अल्टरनेटिव सोशल सिनेरियो जो रूपरेखा है शेयरिंग वेल्थ के बारे में, राइट। तो यहाँ पे देखिए, सो फार वी हैव बीन एग्जामिनिंग सिचुएशन वेयर पीपल आइदर क्लेम्ड और वर असाइंड स्टेटस, कुड ऑल्सो बी क्लेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेल्थ, ठीक है ना। तो वेल्थ के बेसिस पे भी स्टेटस को क्लेम कर सकते थे, राइट। तो हाउ एवर हम देखते हैं कि देयर वर अदर पॉसिबिलिटीज़ एज वेल, ठीक है ना, और पॉसिबिलिटीज़ भी यहाँ हो सकती थी, राइट। हु वर जेनरस वर रिस्पेक्टेड, राइट, वाइल दोज हु वर माइजरली और सिंपली एक्युमुलेटेड वेल्थ फॉर देमसेल्व्स वर डिस्पाइज्ड। मतलब कि जो हमने देखा, हाउएवर देयर वर अदर पॉसिबिलिटीज एज अ सिचुएशन वेयर मैन हु वर जेनरस, जो जेनरस होते थे, ठीक है ना, जो दानी होते थे उनकी क्या होती थी, रिस्पेक्ट होती थी। लेकिन जो कंजूस होते थे, जो बचाते थे अपने लिए, सिंपली एक्यूमुलेट करते थे वेल्थ, ठीक है ना, तो उनको लोग जो थे घृणा करते थे, डिस्पाइज करते थे, राइट, उनको अच्छा नहीं मानते थे, राइट। सो वन एरिया वेयर दीज वैल्यूज वर चैरिश्ड, ठीक है ना, एक वैल्यू, एक एरिया जहाँ पे ऐसा वैल्यूज जो थी वो चैरिश होती थी, वो थी एंशियंट तमिलाकम, ठीक है, ध्यान रखिएगा नेम, एंशियंट तमिलाकम। तो वेयर एज वी सॉ अर्लियर इन चैप्टर, पहले चैप्टर्स में हम पढ़ चुके हैं, ओके। सो देयर वर सेवरल चीफडम, हमने देखा कि वहाँ बहुत सारे सरदार, जो हम देखते हैं कि चीफडम होते थे अराउंड 2000 ईयर्स अगो। तो अमंगस्ट अदर थिंग्स द चीफ्स वर पैट्रन ऑफ बार्ड्स, ठीक है ना। तो चीफ जो होते थे, तो पैट्रन, जैसे कि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ आपको बेटा, पैट्रन सपोर्टर होते हैं, ठीक है ना। तो वो सपोर्टर्स होते थे बार्ड्स के, ठीक है ना, बार्ड पॉइंट ही होता है, तो मतलब आपका ट्रेडिशनली जो रिसाइट करते हैं एपिक्स को, ठीक है, और एसोसिएट विद होते हैं विद पर्टिकुलर ओरल ट्रेडिशन, बोल बोल के गा के सुनाते हैं ना, उनको हम बार्ड्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो उनके पैटर्न होते थे ये, राइट, उनके सपोर्टर्स होते थे, और हु सेंग देयर प्रेज, ठीक है ना, पॉइंट जो उनकी तारीफ में गाते थे, ठीक है ना। तो पोइम इंक्लूडेड इन तमिल संगम, ठीक है ना, पोइम्स जो हैं ये तमिल संगम एंथोलॉजीज में है, एंड ऑफन इल्यूमिनेट सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप, राइट, सजेस्टिंग दैट वाइल देयर वर डिफरेंसेस बिटवीन रिच एंड पुअर, ये बताती हैं कि अगर डिफरेंसेस थे रिच और पुअर में, दोज हु कंट्रोल्ड रिसोर्सेज,
जो रिसोर्स को कंट्रोल करते थे और उनसे क्या एक्सपेक्टेशन की जाती थी कि वो रिसोर्सेज को शेयर भी करें, राइट। वो जो है आपस में मिल बांट कर उन रिसोर्सेज का उपयोग करें, राइट। सो एक सोर्स 14 है आपका, द पुअर जेनरस चीफ, राइट। तो इट इज़ एट पेज नंबर 71। तो पुअर जेनरस चीफ यहाँ पे आप देखिए इस कॉम्पोजिशन में इट्स फ्रॉम पुरु नारुरु, राइट। तो ये कॉम्पोजिशन है पुरु नारुरु में। सो वन ऑफ द एंथोलॉजी ऑफ पोइम्स ऑफ तमिल संगम लिटरेचर, ठीक है, दैट इज सर्का फर्स्ट सेंचुरी CE में लिखी गई है। अब बार्ड डिस्क्राइब हिज पैटर्न टू अदर पोइट्स, दस ये बार्ड जो है ना वो अपने पैटर्न के बारे में बात करते हैं और पोइट से, ठीक है। और किस तरह से करते हैं कि ही, यहाँ पे वो ही किसको बोल रहे हैं, अपने पैटर्न को बोल रहा है, राइट। डजेंट हैव द वेल्थ टू लेविश ऑन अदर्स एवरीडे, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो लेविश करे, एक्स्ट्रावेगेंट करे, खर्चा करे ऑन अदर्स, हर दिन खर्चा करने के लिए उसके पास इतना पैसा नहीं है। एंड नॉर डज ही हैव द पेटीनेस टू से दैट ही हैज़ नथिंग एंड सो रिफ्यूज, ठीक है ना, ना ही वो इतना पैटी है, पैटीनेस है कि वो कहे कि मेरे पास कुछ नहीं है और इस तरह से वो मना भी करे, राइट। ना तो खर्चा कर रहा है ज़्यादा फालतू और ना ही किसी को रिफ्यूज़ भी करता है, क्लियर। और ही लिव्स इन इरंतई, ठीक है ना, इरंतई में वो रहते हैं, एक जगह बता रखी है, एंड इज़ जेनरस, बार्ड है, बाकी और पॉइंट्स को बता रहा है, ठीक है ना। तो वो जेनरस है एंड ही इज़ एन एनिमी टू द हंगर ऑफ बार्ड्स, ठीक है ना, और वो जो बार्ड्स की भूख है ना उसका एनिमी है, मीन्स टू से कुछ ना कुछ वो बार्ड्स के लिए जरूर करता है, राइट। अब क्या कह रहे हैं, इफ़ यू विश टू क्योर योर पॉवर्टी, अगर तुम अपनी गरीबी को ख़त्म करना चाहते हो, क्योर करना चाहते हो, कम अलॉन्ग विद मी, मेरे साथ आओ, बार्ड्स हूज लिप्स आर सो स्किल्ड, ठीक है ना, आपके जो लिप्स होते हैं ये तो वैसे भी बहुत स्किल्ड होते हैं, अगर हम रिक्वेस्ट करेंगे उनसे, शोइंग हिम आर रिब्स, हम अपने जो रिब्स हैं, जो पसलियाँ हैं, पतली पसलियाँ, ठीक है ना, जो हो गई हैं हंगर के साथ, भूख के साथ, हमारी पसलियाँ इतनी पतली हो गई हैं, अगर हम उनको शो करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे, ही विल गो टू द ब्लैक स्मिथ ऑफ हिज विलेज, ठीक है ना, और वो जो है क्या करेंगे आपके लिए, हमारे लिए, वो कहाँ जाएंगे, ब्लैक स्मिथ के पास जाएंगे, एंड विल से टू दैट मैन ऑफ पावरफुल हैंड्स, और जो ब्लैक स्मिथ है उसके बड़े पावरफुल हैंड्स होते हैं, और वो उनको क्या बोलेंगे, शेप मी अ लॉन्ग स्पेयर फॉर वॉर, ठीक है ना, मुझे जो है वॉर के लिए एक लंबा स्पेयर जो है भाला वो शेप करके दो, वन दैट हैज़ अ स्ट्रेट ब्लेड, जिसके पास एक स्ट्रेट ब्लेड हो, राइट। तो ये बार्ड ने अपने पैटर्न की प्रशंसा में लिखा है, राइट। एंड हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अ चीफ, राइट, एंड हिज फॉलोवर, राइट। स्टोन स्कल्प्टर है ये, अमरावती आंध्र प्रदेश, राइट, दैट इज अबाउट सर्का सेकेंड सेंचुरी CE, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सप्लेनिंग सोशल डिफरेंसेस, राइट, अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब जो सोशल डिफरेंसेस हैं या सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम बताएंगे, अग्रीमेंट होते हैं जो, राइट। सो द बुद्धिस्ट ऑल्सो डेवलप्ड एन अल्टरनेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, ठीक है, बुद्धिस्ट जो थे इन्होंने डेवलप कर ली थी एक अल्टरनेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज़ की, राइट। यहाँ पे देखिए, एंड ऑफ द इंस्टीट्यूशन रिक्वायर्ड टू रेगुलेट सोशल कॉन्फ्लिक्ट, राइट, इन अ मिथ, ठीक है, एक मिथ है फाउंड इन टेक्स्ट नोन एज सुत्ता पिटाका, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिथ है, इसमें क्या है, दे सजेस्टेड दैट ओरिजिनली ह्यूमन बीइंग डिड नॉट हैव फुल्ली इवॉल्व्ड बॉडीली फॉर्म, ठीक है ना, इसमें कहा गया है जो पहले के इंसान होते थे ना वो पूरी तरह से विकसित नहीं थे, राइट, नॉर वॉज द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स फुली डेवलप्ड, ना ही वहाँ जो वर्ल्ड ऑफ प्लांट था वही डेवलप था, ठीक है ना, वो पूरी तरह से डेवलप नहीं था, ना तो इंसान था, ना ही आपकी ये जो वर्ल्ड ऑफ प्लांट है ना, पेड़ पौधों की दुनिया, ये भी डेवलप नहीं थी। एंड ऑल लिविंग बींग्स, ठीक है ना, इन एन इडलिक, ठीक है, इडलिक स्टेट,
मतलब सभी जो लिविंग बींग होती थी, ऑल बींग्स जो थे, ये कौन से स्टेट में रहते थे? इडिलिक स्टेट ऑफ पीस, ठीक है ना, मतलब एक्सट्रीमली, इडिलिक का मतलब हो जाता है आपका एक्सट्रीमली, राइट, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली, राइट, एक्सट्रीमली हैप्पी, ठीक है, इसको हम इडिलिक सिचुएशन बोल देते हैं, एक्सट्रीमली हैप्पी सिचुएशन में थे, इडिलिक स्टेट ऑफ पीसफुल, पीसफुल स्टेट में थे, टेकिंग फ्रॉम नेचर ओनली व्हाट दे नीडेड फॉर ईच मील, तो वो नेचर से क्या लेते थे, ठीक है ना, हर मील के लिए उतना ही लेते थे, टेकिंग फ्रॉम नेचर ओनली, उतना ही लेते थे जितनी उनको ज़रूरत होती थी, राइट, एक्स्ट्रा नहीं खर्च करते थे, राइट, तो इडिलिक स्टेट आपको समझ में आ गया होगा. सो हाउ एवर देयर वॉज अ ग्रेजुअल डिटेरियोरेशन ऑफ दिस स्टेट, ठीक है ना, ये जो स्टेट है ये ख़त्म होता गया, क्यों, क्यों, क्योंकि ह्यूमन बींग जो था वो क्या बनता गया, ग्रीडी, ठीक है, लालच, लालची बनता गया, ठीक है, और विंडिक्टिव, ठीक है, विंडिक्टिव बनता गया, मतलब क्या करता था वो, स्ट्रांग डिज़ायर होती थी उसकी रिवेंज की, विंडिक्टिव, ठीक है ना, तो मतलब जैसे किसी ने उसको नुकसान पहुंचाया वो उल्टा नुकसान पहुंचाता था, एंड डिसीटफुल, राइट, डिसीटफुल, तो तुम्हें पता ही है धोखा, ठीक है ना, डिसीटफुल हो गया आपका, एंड मीन्स टू मिसलीडिंग अदर हो गया, राइट, सो दिस लेड देम टू वंडर व्हाट इफ वी वर टू सिलेक्ट अ सर्टेन बींग हु शुड बी रेथफुल व्हेन इंडिग्नेशन इज राइट, राइट, तो अब देखिए हु शुड सेंसर, राइट, सेंश्योर मीन्स कि एक तरह से स्वेयर डिसअप्रूवल, ठीक है ना, तो जो हु शुड सेंश्योर दैट विच शुड राइटली बी सेंश्योर्ड, राइट, एंड यू कैन से हियर विच शुड राइटली बी सेंश्योर्ड एंड शुड बैनिश, ठीक है ना, उसको बैनिश कर दिया जाए, बैनिश हिम हु डिजर्व टू बी बैनिश, तो उसको हटा दिया जाए, अगर जैसे प्रताड़ित, जो प्रताड़ित करता है उसको प्रताड़ित करना चाहिए, और एंड शुड बैनिश हिम, ठीक है, उसको निष्कासित करना चाहिए, बैनिश मतलब सेंड समवन अवे फ्रॉम अ कंट्री, ठीक है ना, एज अ पनिशमेंट, तो उसको बैनिश करना चाहिए, हु डिजर्व टू बी बैनिश, जिसको निष्कासित करना चाहिए उसको निष्कासित करना चाहिए, सो विल गिव हिम इन रिटर्न अ प्रपोर्शन ऑफ द राइस, हम क्या देंगे उसको रिटर्न में, प्रपोर्शन ऑफ द राइस चोजन बाय द होल पीपल, ठीक है, जो सब लोगों द्वारा चोज किया गया है, ही विल बी नोन एज महासम्मता, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता था, महासम्मता, ठीक है ना, महासम्मता, जैसे कहते हैं ना सबकी विल के अनुसार, ठीक है ना, द ग्रेट इलेक्ट, ठीक है ना, इलेक्ट, इलेक्शन, ठीक है, सो दिस सजेस्ट दैट, तो ये चीज़ क्या सजेस्ट करती है, द इंस्टीट्यूशन ऑफ किंगशिप वॉज बेस्ड ऑन ह्यूमन चॉइस, तो ह्यूमन चॉइस से ही ये किंगशिप की इंस्टीट्यूशन चल रही थी विद टैक्सेस, ठीक है, टैक्सेस क्या थे, एज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय किंग, ठीक है, तो राजा के द्वारा जो सर्विसेज होती थी ये टैक्स की फॉर्म में दी जाती थी, एट द सेम टाइम इट रिवील्स रिकग्निशन ऑफ ह्यूमन एजेंसी, राइट, एक जो ह्यूमन एजेंसी थी, मतलब ह्यूमन का जो काम था वो क्या था, इन क्रिएटिंग, ठीक है, इन क्रिएटिंग एंड इंस्टीट्यूशनलाइजिंग इकोनॉमिक एंड सोशल रिलेशंस, राइट, सो देयर आर अदर इम्प्लीकेशन एज वेल, और भी इम्प्लीकेशंस थी, जैसे एग्जाम्पल, इफ ह्यूमन बींग वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ सिस्टम, ठीक है, अगर ह्यूमन बींग जो था वो सिस्टम के क्रिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था तो दे कुड ऑल्सो चेंज इट इन फ्यूचर, ठीक है, तो अगर ह्यूमन ने ये सारी चीज़ें बनाई, वो जिम्मेदार था इन चीज़ों के लिए, तो वो क्या कर सकता था, चेंज कर सकता था इस सब को फ्यूचर में, राइट, सो स्टूडेंट्स दिस वॉज फॉर योर टूडेज क्लास, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट. Okay? Thank you.